उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन के दूसरे दिन यानी रविवार को राज्य में कोरोना वायरस के 239 मामले सामने आए हैं और 35 लोग ठीक होकर घर चले गए। उत्तराखंड में अब कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या 4525 हो गई है, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 3116 है। चिंता का सबसे बड़ा विषय है रिकवरी ग्राफ का गिरता जाना। जो रिकवरी रेट 10 दिन पहले तक 80% के आसपास था, वो अब 69.01% हो गया है। फिलहाल राज्य में 1311 मरीजों का इलाज विभिन्न हॉस्पिटलों में चल रहा है और कोरोना वायरस की वजह से 52 लोगों की जान चली गई है। शहर में कोरोना वायरस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। शहर के 8 कंटेनमेंट जोन बन गए हैं। पहला कंटेनमेंट जोन पालम सिटी कॉलोनी है, जहां कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने उसे सील कर दिया है। इसके बाद 7 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इस लिस्ट में जीएसटी कार्यालय और पोस्ट ऑफिस भी शामिल है। इन दोनों सरकारी दफ्तरों के अलावा गौदाजौली उत्तर, गौदाजौली गणपति विहार, लाइन नंबर 17, इंद्रानगर मोहम्मदी चौक, रामपुर रोड स्थित आनंदलोक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन सभी इलाकों में मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। लोगों की सैंपलिंग की जाएगी और स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। इसमें करीब 30,000 लोग प्रभावित होंगे। नैनीताल जिले में गुलदार का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के विभिन्न हिस्सों में गुलदार लगातार दिखाई दे रहे हैं। रानीबाग और बौला बैराज में गुलदार ने 2 महिलाओं को अपना शिकार बनाया है। इसके अलावा रानीबाग क्षेत्र में गुलदार ने युवक पर भी हमला किया, उसके लिए शिकारी भी पहुंच गए हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। गुलदार से जुड़ी 2 घटनाएं हम आपको बताने जा रहे हैं। नैनीताल में गुलदार एक घर में घुसा कुत्ते को अपना शिकार बना दिया। वहीं रविवार को गोलापार के मानपुर गांव में भी गुलदार देखा गया। स्थानीय निवासियों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की है, ताकि गुलदार को पकड़ा जा सके। लॉकडाउन के हटने के बाद से गुलदारों के दिखने का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड के एक और लाल ने देश के लिए अपने प्राण निछावर किए हैं। जवान की उम्र केवल 24 साल थी। छोटी सी उम्र में वीर की शहादत की खबर ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। ऊधम सिंह नगर किच्छा के गौरीकला निवासी जवान देव बहादुर पुत्र शेर बहादुर लद्दाख बॉर्डर पर तैनात थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शनिवार रात को देव बहादुर गश्त कर रहे थे, इसी दौरान उनका पैर जमीन पर बिछी डायनामाइट पर पड़ गया। इस दौरान हुए धमाके में वो शहीद हो गए। सेना की ओर से घटना की जानकारी परिवार को शनिवार रात करीब 11 बजे दे दी गई थी और इसके बाद से वहां मातम छाया हुआ है। जवान के शहीद होने की खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। शहीद जवान देव बहादुर के साल 2016 में भारतीय सेना के 6/1 गोरखा रेजिमेंट में शामिल हुए थे। शहीद जवान के बड़े भाई किशन बहादुर भी भारतीय सेना में जवान है और ग्वालियर में तैनात है। शहीद देव बहादुर के परिवार में 3 भाई और 1 बहन है, वो दूसरे नंबर के थे। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके पीछे का कारण है सैंपलिंग में तेजी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर पिछले दिनों में कोविड-19 के दृष्टिगत सर्विलांस और सैंपलिंग में काफी बढ़ोतरी हुई है। राज्य के सभी जनपदों में आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों के माध्यम से घर घर जाकर सर्विलांस किया जा रहा है। पता लगाया जा रहा है कि किसी में कोरोना के लक्षण तो नहीं है। विशेष रूप से सीनियर सिटीजन और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों की जानकारी रखी जा रही है। अधिकांश जिलों में सर्विलांस के 2 या 2 से ज्यादा राउंड हो चुके हैं। उत्तरकाशी में 4, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चमोली व टिहरी में 3-3, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी व ऊधम सिंह नगर में 2-2 और पिथौरागढ़, देहरादून व हरिद्वार में 1-1 राउंड सर्विलांस का किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इस प्रक्रिया को आगे भी लगातार करते रहने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने पूरी गंभीरता से सर्विलांस करने और इससे प्राप्त जानकारियों के आधार पर जरूरी कदम उठाने को कहा है।